और उनका नियम करते क्या है, इसमें लेते हैं प्रतिरोध, ठीक है। यह प्रतिरोध मानते हैं ये आर है जी। इसके बाद इस पर इसका विभवांतर हम मापेंगे तो किसके माध्यम से मापेंगे, वोल्टमीटर, ठीक है। यहां रहेगा वोल्टमीटर, इसके बाद यहां लाएंगे एमीटर, और इसके बाद यहां लगती है बैटरी, बैटरी ला देंगे, बैटरी के बाद यहां लाते हैं रियोस्टेट, ये ठीक है। पूरा डायग्राम है फिर घर कर जाएंगे ऐसे ऐसे होते हुए आएंगे। ओम का नियम क्या कहता है कि जो V है, ठीक है, विभवांतर जो है वो समानुपाती है किसके, जो I विद्युत धारा प्रवाहित है, यही है ना, I विद्युत धारा प्रवाहित है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं रियोस्टेट को बढ़ाऊंगा तो I बढ़ेगा तो क्या V भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये नियम ये कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वोल्ट मीटर यहाँ ले रहा हूँ और यहाँ ए मीटर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो जैसे जैसे वोल्ट मीटर का डायल इधर जाएगा तो ए मीटर का डायल किधर जाएगा, इधर ही जाएगा ना, ये इसको चेक करेंगे। अगर ऐसा होता है ओम का नियम सही है तो प्रैक्टिकल भी ऐसे ही होगा, ठीक है। सो ये बैटरी है, ठीक है, पॉजिटिव है, देख रहे हैं ना, सबको पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला कहाँ जा रहा है, ठीक है, ए मीटर में, ए मीटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल में जाएगा। फिर यहाँ से विद्युत धारा होकर कहाँ जा रही है, वोल्ट मीटर में, ठीक है। अब वोल्ट मीटर में इसलिए नहीं जा रही, पहले इसमें जाएगी, इसमें ये ठीक है, आपको कॉपर कॉइल है, विद्युत धारा ऐसे आई इसमें से गुजरी कॉपर कॉइल में से, अब यहाँ से आकर फिर वापस यहाँ गई, और बीच में हमने इसका विभवांतर मापने के लिए इन दोनों के अंत में जो ये रिलेंस के इसका विभवांतर मापने के लिए हमने क्या टच कर रखा है, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर हमने टच कर रखा है, ये वोल्ट मीटर, फिर ये इसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या करता है, विभिन्न मात्रा में क्या कर सकता है, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है, यही ना। इसका मान देखो अगर कितना है, 150 ओम और 1.2 एम्पीयर इतना होता है। अब लगा के देखते हैं ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा, विभवांतर का। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, धीरे धीरे इसका मान बढ़ाऊंगा, देखो ये धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, देखो बढ़ रहा है, नोटिस करो, देखो है ना, और कम करने पे कम हो रहा है, ये देखो बढ़ाने पे देखो जान से बढ़ रहा है, नोटिस करो, देखो जब विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है तो किसका मान बढ़ रहा है, वोल्ट मीटर का, देखो बढ़ गया ना, तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि ये विद्युत धारा इसमें आई जा रही है और ये दोनों क्या है, समानुपाती है ना। अगर समानुपाती नहीं होता तो क्या होता, एक तरफ ये इधर जा रहा होता, ये इधर जा रहा होता, लेकिन क्या है, दोनों ही साथ में बढ़ रहे हैं, देखो देखो ना, साथ साथ में बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि दोनों क्या है, समानुपाती होते हैं, समझ आया ना आपको, ये ठीक है।